हेलो माय फ्रेंड, सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफरेंट पे। तो बात करेंगे मैग्नाट्रॉन की। माइक्रोवेव का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है मैग्नाट्रॉन। मैग्नाट्रॉन के साथ बहुत से लोगों ने काम किया होगा, क्योंकि जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे ज़्यादातर लोग वही होंगे जो माइक्रोवेव के साथ काम करते हैं। तो चलिए मैग्नाट्रॉन की एक बहुत ही ख़तरनाक पार्ट के बारे में मैं आपको बताऊँगा, जिस पर शायद आपने कभी ध्यान ना दिया हो या आपको पता ना हो। मैग्नाट्रॉन में एक ये इंसुलेटर होता है जो कि दोनों साइड में होता है, इस साइड और इस साइड। और ये इंसुलेटर बहुत ही ख़तरनाक होता है। ये इंसुलेटर बना होता है बेरिलियम ऑक्साइड का। बेरिलियम ऑक्साइड, आप अगर इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसके हेल्थ हिजार्ड इतने ज़्यादा हैं, अगर ये स्किन पे टच हो जाए तो ये स्किन अल्सर तक कर सकता है। आँखों के पास अगर मान लीजिए कुछ लोग मैग्नेट्रॉन को तोड़ कर देखते हैं, अगर तोड़ कर आप मैग्नेट्रॉन को देखेंगे और इसका कोई फ्यूम टाइप जैसे मरकरी की होती है, यानी कि कोई छोटा सा कण आपकी आइज में चला जाए तो बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, आपके श्वसन तंत्र में चला जाए तो बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, भयानक एलर्जी होती है। ये कहा जाता है कि स्किन पे अगर ये ज़्यादा एक्सपोज हो जाए तो ये अल्सर तक कर सकता है। तो दोस्तों इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपको इस पार्ट के बारे में बताऊं। ये बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है, इसलिए बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये यूज़ होता है, जहाँ पे हाई वोल्टेज होती है, ख़ास तौर से माइक्रोवेव वगैरह यूज़ होती है, वहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड को ही यूज़ किया जाता है। लेकिन ये बहुत ही हाईली पॉइजनस एलिमेंट है, इसीलिए मैं ग्लव्स पहनकर इस पर काम कर रहा हूँ। इसे आप डायरेक्ट ऐसे भी नहीं छुए, क्योंकि आपकी स्किन पर प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन पे जख्म तक कर सकता है ये, और स्किन में एलर्जी होना तो बहुत ही नॉर्मल सिम्टम्स है, खुजली लगना, आपको लाली आ जाना, ये इसके बहुत नॉर्मल इफेक्ट हैं। तो मुझे लगा कि मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। बेहद विषैला होता है ये पार्ट मैग्नेट्रॉन का, आप इससे दूर रहें। कोई भी मैग्नेट्रॉन को तोड़ कर ना देखें, क्योंकि तोड़ने पर इसके छोटे छोटे कण सांस के थ्रू बॉडी में चले जाते हैं और बहुत ही खतरनाक इफेक्ट पैदा करते हैं। तो दोस्तों तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मैग्नेट्रॉन से कितना दूर रहने की ज़रूरत है। इसे खोल कर रिपेयर करने का तो ना ही सोचें तो बेटर है। आप सिर्फ काम करें तो इसके लोअर पोर्शन, इधर बैक पोर्शन में काम करें। यहाँ पे कुछ इशू हो, जैसे कि ये इसका सॉकेट है ये गड़बड़ हो या कुछ और हो, इस पोर्शन में यहाँ पे ये सॉकेट चेंज करना हो या अंदर की कॉइल चेंज करनी हो या वो टूट गई हो, उन्हें करना हो तो आप कर लीजिए, बट इसके फॉरवर्ड एरिया में मत जाइए, क्योंकि आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा वो इसे पूरा खोलते हैं। उस कंडीशन में आप बेरिलियम ऑक्साइड के ये टॉक्सिन्स के शिकार हो सकते हैं, तो बेटर है कि इससे आप दूर रहें। मैं भी इसे खोलने के बारे में सोचा था, लेकिन जब मैंने और ज़्यादा पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और इससे दूर रहने में ही फ़ायदा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।